या फिर किसानों के लिए? क्या वजह होगी? हो सकता है इनमें से किसी के लिए नहीं। कहीं इन्होंने मेरे आगे तो सर नहीं झुकाया? ये अच्छा नहीं है। खाते वक्त ध्यान सिर्फ खाने पर होना चाहिए। तुम जो खा रहे हो उसे देखो और उस खाने की इज्जत करो, समझ गए? बाकी तुम किसी जीव को मार कर खा रहे हो तो उसके बलिदान की इज्जत करना सीखो। ठीक है, ये इतनी अच्छे से बात कर सकते हैं? मैंने तो कभी इनको ऐसे बात करते नहीं सुना। पूरी जिंदगी मैं इनके बारे में सोचता रहा। इनकी हर चीज से नफरत थी मुझे। खुद पर मेहनत की ताकि इनसे बेहतर बन सकूं। पूरी दुनिया से लड़ाई की ताकि मैं इनसे लड़ाई कर सकूं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस आदमी को जानता ही नहीं हूं। मैंने आज तक इनके बारे में जो भी सोचा, क्या वो गलत था? आजकल मुझे सी रूट्स बहुत पसंद आने लगे। फ्रेश नहीं मिलते तो इसलिए मैं ये कैन वाला लाता हूं। हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स, फूड कलरिंग, एंटीसेप्टिक्स, हानिकारक केमिकल्स होते हैं इसमें। ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम सिर्फ हेल्दी चीजें ही खाओ, क्योंकि तुम्हें हर जगह हेल्दी चीजें नहीं मिलेंगी। अनहेल्दी खाने की भी आदत डालना सीखो। अपने शरीर को दोनों चीजों की आदत डालो ताकि वो हर चीज को हजम करे और तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना हो। मुझे ये सब सुनकर रोने का मन कर रहा है। इससे पहले मेरे डैड ने मुझे आज तक कभी ऐसी बातें नहीं बताई। मैंने कभी इनका ये रूप नहीं देखा है। इनका चॉपस्टिक्स पकड़ने का तरीका कितना परफेक्ट है, मुझे नहीं पता था ये इतना कुछ जानते हैं। मुझे लगता था इन्हें लड़ाई के अलावा कुछ नहीं आता, पर इनके टेबल मैनर्स देखकर मुझे खुद पर शर्म आ रही है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि फिश इतने अच्छे से खाई जा सकती है। सच कहूं तो जिंदगी में पहली बार मुझे अपने डैड पर गर्व हो रहा है, और इसलिए मुझे उनसे ये कहने का मन कर रहा है। सुनिए डैड, आज बर्तन आप धो देंगे। फिर से सर झुकाया? समझ गया, ये पहले भी मुझे थैंक यू कहने के लिए सर झुका रहे थे। मानना पड़ेगा इनमें बहुत मैनर्स है।